आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक अलग तरीके से मिठाई की रेसिपी। सो हेलो एवरीवन, मम्मी की रसोई हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। एकदम रस से भरी, रसीली, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब मिठाई की रेसिपी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए क्या करेंगे, एक हम बड़ा सा बाउल ले लेंगे और हम इसमें डाल देंगे एक कप मैदा। आप लोग एक कप मैदा से बनाए, दो कप मैदा से बनाए, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आधा चम्मच इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा को। आप लोग बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बेकिंग सोडा यूज़ करें। एक से दो चम्मच इसमें डाल देंगे शुद्ध देसी घी को। इसके बाद क्या करेंगे, मिलाएंगे सबको अच्छी तरीके से। अब आप लोग सोचेंगे कि क्या हम घी की जगह इसमें रिफाइन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग प्लीज़ घी से ही बनाइएगा, घी से बनाने से एक अलग ही फ्लेवर आता है। और जब मिठाई की बात करें तो बिना घी का तो मिठाई अच्छा ही नहीं लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने पूरा मोम डाल दिया है, मुट्ठी बांधने पर मुट्ठी बन जा रहा है, मतलब कि मोम परफेक्ट है। तो अब हम हल्का हल्का पानी डालेंगे और हम इसको मिला लेंगे। एकदम टाइट सा डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो इसको ढककर 10 से 15 मिनट आराम करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद क्या करेंगे, हम इसको मिला लेंगे एक बार फिर से। और हम इसको क्या करेंगे, आराम से नीचे कहीं भी आप लोग रख कर बना सकते हैं। तो हम पहले अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। तो आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं ना वीडियो में, आप लोगों को सेम इसी स्टेप को फॉलो करने, तभी परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बेलन, और बेलन की सहायता से हम इसको थोड़ा सा मोटा ही बेल लेंगे। अब मोटा बेलने के बाद आप लोग को दोनों जो बेला हुआ था ना, उन दोनों को एक दूसरे पर रखकर दोबारा से आप लोग को बेलना है। तो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम आप लोग को इसी स्टेप को फॉलो करना है। और हम क्या करेंगे, फिर से चार पार्ट कर लेंगे। और चार पार्ट करने के बाद फिर से हम चारों पार्ट को एक पर ही रखकर फिर से हम इसको बेलेंगे। हम इसका लेयर बना रहे हैं, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो दोबारा से हम इसको बेल लेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से बनाकर। फिर से हम इसमें दो पार्ट कर देंगे और हम उस दो पार्ट को फिर से एक दूसरे पर रख देंगे। तो बस रख देने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से मिला वाला देना है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर देना है। फिर लंबा सा आप लोग बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो हम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो बस ये सारे आप लोग को ऐसे ही करना है। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, मेरी गारंटी है। तो बस आप लोग एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाकर ट्राई करेगा और मुझे नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसा बना आप लोग का और कितना टेस्टी रेसिपी है। इस मिठाई के सामने सारे मिठाई फेल है, गारंटी है मेरी। तो अब हम क्या करेंगे, गैस पर ऑयल चढ़ा देंगे और हम इसमें डाल देंगे अपना ये जो मिठाई जो हमने बनाया ना, जब थोड़ा सा ऑयल हीट हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपना मिठाई। तो गैस की फ्लेम को एकदम मीडियम पर रखकर आप लोग को इसको फ्राई करना है, अंदर से आप लोग को पूरी तरीके से सेकना है। तब तक हम साइड में क्या करेंगे, चाशनी बना लेंगे। तो गैस पर चढ़ा देंगे कोई सा भी कढ़ाई और हम इसमें डाल देंगे एक कप चीनी और आधा कप आप लोग इसमें पानी डालिएगा। अगर आप लोग दो कप मतलब चीनी लेंगे तो आप लोग एक कप पानी डालिएगा। बस एक कप मैदा के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक कप ही चीनी लेना है, तब एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा। एक से दो मिनट के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अंदर से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबको निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद आप लोग को फटाफट इसको चाशनी में डालना है, जो हमने साइड में चाशनी बनाकर तैयार कर रहे हैं ना, उसी में आप लोग को डालना है। तो इधर चाशनी भी बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे चाशनी। आप लोगों का कोई एक तार दो तार नहीं चाहिए, सिंपली आप लोग जैसे चिपचिपा सा हो जाए ना, बस उतना ही आप लोगों को चाशनी चाहिए। तो हमने गैस पर चाशनी को दोबारा से चढ़ा दिया था ताकि चाशनी गर्म ही रहे। और हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे अपने मिठाई को।
मुंह में आप लोग को पानी आ जाएगा, सच्ची बता रही हूँ। इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार रेसिपी है, तो एक बार तो रेसिपी को ट्राई करना ज़रूरी बनता है। सब में डाल देंगे अपने रस को और हम क्या करेंगे, इसको ढककर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि अंदर तक पूरा रस चला जाए, सिरा चला जाए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो बस अब हम करेंगे इसको सर्व, मज़ेदार टेस्टी एकदम यम्मी यम्मी रेसिपी को, मिठाई की रेसिपी को। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, देख रहे हैं अंदर से रसीला। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।